हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको 100 MCQs कराने जा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के। बेटा ये लेटेस्ट CBSE पैटर्न के हिसाब से है, सेशन 2023-24 जो कि मार्च 24 में जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ये चैप्टर वाइज बनाए हुए हैं 100 क्वेश्चन। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। बी ऑप्शन, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज एसेंशियल। सी, GDP ग्रोथ। और डी, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन आपको पता है, डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके जी, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें एक तरह से देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आई है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल किसका सब्जेक्ट मैटर है? अब बताओ मेरे को, क्या वो माइक्रो लेवल का है, मैक्रो लेवल का है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज? तो बच्चों राइट आंसर आपको पता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व्ड इन, एग्रीगेशन किस में इन्वॉल्व होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो सी है, क्योंकि दोनों में होता है। माइक्रो में क्या होता है, पार्शियल एग्रीगेशन, ठीक है जी, और इसमें वाइडर, ठीक है, या टोटल एग्रीगेशन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोथ ए और बी इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड्स, ठीक है, ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है जी, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स या ऑल ऑफ दीज? तो आप बताइए, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें या इकोनॉमिक्स एज ए होल की बात करें तो सारे ही इसके क्या हैं, गवर्नमेंट भी, कंज्यूमर्स भी, प्रोड्यूसर्स भी, वो सारे क्या हैं हमारे, इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है बच्चे, तो इकोनॉमिक एजेंट्स कौन से होते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या आया बच्चे, राइट ऑप्शन डी आया। ठीक है जी, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस? तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लिए कौन सा है, तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कैसे बढ़ेगा वो ऑप्शन पढ़िए आप। ठीक है, ऑप्शन क्या है, पहले ए ऑप्शन है, इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द इकोनॉमी, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गुड्स इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट और नॉन ऑफ दीज? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम ऑल मार्केट्स का होता है इसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चैप्टर का नाम, हालांकि आपको चैप्टर का नाम याद करने की या क्वेश्चन में आपको चैप्टर का नाम थोड़ा ना बताएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके जी, ये तो आपको पता ही है कि जब भी कोई टेस्ट या एग्जाम होता है उसमें चैप्टर नंबर नहीं होगा, वो टोटल क्वेश्चन ही आएंगे शफल्ड करके। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेसेंस होता है जब चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी जो भी आपकी मशीनरी है वो आउटडेटेड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेसेंस। तो एक्सपेक्टेड किस में हो सकती है, तो एक्सपेक्टेड में हमारे पास 4 केसेस हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के। पहला केस क्या बचे बताइए, पहला ऑप्शन है नेचुरल क्लाइमेटिस, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा बच्चे, चेंज इन डिमांड, तीसरा चेंज इन टेक्नोलॉजी, और चौथा आंसर क्या बेटे, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए इसका आंसर क्या है, राइट आंसर आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तो ऑब्सोलेसेंस इसमें कौन सा आएगा, डिमांड और टेक्नोलॉजी को मिला के ऑप्शन डी। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, तो डी इज द
राइट आंसर, आपको पता ना इसका आंसर, ठीक है जी। ऑब्सोलेसेंस का मतलब आप समझ गए हो ना आप बेटा, चलिए ठीक है। तो ऑब्सोलेसेंस जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है वो इसमें आ जाएगा, ओके जी। चलिए हम चलिए आगे। चलो तो ये अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, बी ऑप्शन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, सी ऑप्शन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो राइट आंसर क्या बचे, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, ऑप्शन बी से, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी। तो उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड नन ऑफ दीज। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो क्या आएगा, कैपिटल लॉस हो सकता है या कैपिटल गेन, कैपिटल फॉर्मेशन या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन राइट है सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ओके बच्चे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रियल फ्लो इज अ टू सेक्टर, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, फ्लो ऑफ गुड्स ओनली बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर्स, सी फ्लो ऑफ सर्विसेज ओनली बिटवीन हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, और डी मनी फ्लो बिटवीन प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। तो बताइए इसका जरा क्या हो सकता है, बताओ बेटा। रियल फ्लो, रियल फ्लो किससे बनता है, हाँ जी, रियल फ्लो और मनी फ्लो होते हैं ना, जो रियल फ्लो आपको पता है वो किसके बनेगा, गुड्स एंड सर्विसेज से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके बच्चे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टॉक, तो कौन सा स्टॉक नहीं है, वेल्थ, इनकम, लेबर फोर्स और कैपिटल। यस, इनकम स्टॉक नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलें आगे बेटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और जो कि ये यहां तक देखिए बच्चे 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, 10 क्वेश्चन हो गए, ये चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और ये चैप्टर नंबर 3 से है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाले चैप्टर से। तो बच्चे 11th क्वेश्चन क्या है, द इंपैक्ट ऑफ एन एक्सटर्नलिटी इज, क्या हो सकता है एक्सटर्नलिटीज, मतलब बाहर की वजह से, बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा कैसे प्रभावित होता है, क्या पॉजिटिवली, क्या नेगेटिव, क्या इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बच्चे ये दोनों हो सकता है, आपको पता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और बच्चे उसके बाद क्या है, नेशनल इनकम एंड एनपीएफसी इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, दूसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स जीडीपी एंड इन अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स जीडीपी एंड इन अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, एक्सटर्नलिटीज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, एक्सटर्नलिटीज, कौन सा है जो जीडीपी में इन अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर का, एक्सटर्नलिटीज की वजह से, ठीक है जी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी भी आंसर है और ये भी, तो इसका मतलब इन तीनों को मिला के जो हमारा आंसर बनता है वो ऑल ऑफ दीज है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सारे ही फैक्टर्स जो होते हैं वो जीडीपी के को प्रभावित करते हैं, इन अप्रोप्रिएट हो जाते हैं वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये ठीक नहीं है ये पॉइंट्स, ठीक है। तो जीडीपी को में ये हिंड्रेंसेज है, ये लिमिटेशंस है, ओके बेटे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, रियल नेशनल इनकम, ठीक है बेटे, मींस इसका ऑप्शन चार है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइसेस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, नेशनल इनकम एट एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 10 इयर्स। तो अब यहां पे आपको ये बताना है कि रियल नेशनल इनकम, तो जरा सोचो जरा, कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है, ये रियल इनकम किस पे जा सकती है,
तो रियल इनकम का जो फॉर्मूला है उसको आप अच्छे तरीके से माइंड में रखिए और फिर मुझे बताइए कि हम इसमें से क्या इसको एग्जैक्टली मान सकते हैं। तो रियल फ्लो क्या हो सकता है? रियल फ्लो में जो हमारी इनकम है वो किससे मेजर होती है, जरा सोचो। आपको पता है दो तरह की इनकम होती है, नेशनल इनकम को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, रियल और दूसरा नॉमिनल। तो उस पर आपको थोड़ा फोकस देना है, उस पर आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस देना है। अब उसके बाद आप सोचिए कि आपका ये क्या बनेगा, रियल इनकम किस पे आएगी, तो ये किस पे है, कॉन्स्टेंट प्राइसेस, जिसको कि हम बेस प्राइसेस बोलते हैं। तो कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे हमारा राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर है रियल इनकम अपॉन नॉमिनल इनकम इनटू 100, और बी है नॉमिनल इनकम अपॉन रियल इनकम इनटू 100, और सी है रियल इनकम अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, और चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन बी है। सो आंसर आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, चलिए अब है नेक्स्ट। नेशनल इनकम इज ऑफन एस्टिमेटेड एज एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनडीपीएमपी और एनएनपीएफसी। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या है, लास्ट वाला डी। नेशनल इनकम को हम एनएनपीएफसी बोलते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट हो, चलें आगे। ओके बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एस्टिमेटेड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, दूसरा सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, तीसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, एंड चौथा बोथ ए बी एंड सी। तो नेचुरली हमारा आंसर डी है, इन दोनों को ही, दोनों ही हमारे राइट आंसर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए। ठीक है, तो दोनों में से हम बी और सी अलग अलग ऑप्शन तो चूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा बोथ बी एंड सी राइट आंसर है, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, विच वन लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट। क्या फैक्टर कॉस्ट को लीड करता है, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 19th, विच वन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। हमें कौन सा है जो डेप्रिसिएशन में इंक्लूड होती है, जिसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, और नन ऑफ दीज में। तो राइट ऑप्शन क्या बेटे, ए, इसमें हमारी डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है। ठीक है जी, और उसके बाद 20th क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल हेल्प टू अ विक्टिम इज ट्रांसफर पेमेंट, बी क्या है फैक्टर इनकम, सी क्या है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, और डी क्या है नन ऑफ दीज। तो ट्रांसफर पेमेंट इज द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 4 से यहां स्टार्ट हो जाएगा, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का। तो हाउस होल्ड इन्वेंट्री क्या होती है, हाउस होल्ड जो इन्वेंट्री है, जो घर का सामान है, नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम, अ स्टॉक कंसेप्ट होती है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या बेटे, सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेमिटेंसेस फ्रॉम अ रिलेटिव वर्किंग अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, या ये क्या है ट्रांसफर पेमेंट्स। तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ बी एंड सी। तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, क्योंकि ना ही ये नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट होती है। ओके, एंड 23rd क्वेश्चन क्या बेटा, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल, बी ऑप्शन देयर वैल्यूएशन इज पॉसिबल, सी गुड्स आर मोर प्रोडक्टिव देन सर्विसेज, और चौथा नन ऑफ दीज। तो प्रोडक्शन में हम ओन प्रोडक्शन को इंक्लूड क्यों करते हैं, बिकॉज गुड्स आर मोर प्रोडक्टिव देन, कौन सा ऑप्शन है, गुड्स आर दे, उनकी वैल्यूएशन पॉसिबल है, इसलिए हम उसको ऐड करते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो उसमें क्या आएगा, रेंट, मिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो सी इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम इज ओवर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है, करेक्टली एस्टिमेटेड या नॉट एस्टिमेटेड फॉर द एंटायर ईयर ऑफ द अकाउंटिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ओवर एस्टिमेटेड है। तो ऑप्शन ए इज द डबल काउंटिंग से वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों अब आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज इंक्रीज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक एंड नन ऑफ दीज। तो डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर क्या आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टॉक। ओके, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। तो पहला बेटे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, बी रिटायरमेंट पेंशन, सी ओल्ड एज पेंशन और डी डोनेशंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चों ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा फोकस होके करिए, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है, तो अच्छी खासी सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो जाएगी आपकी। प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग फाइनल आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन आंसर। ओके बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग जीएनपी ऑफ ए कंट्री एट मार्केट प्राइस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, कौन सी नहीं ऐड की जाती व्हाइल इंक्लूडिंग व्हाइल एस्टिमेटिंग जीएनपी ऑफ ए कंट्री एट मार्केट प्राइस, सेल ऑफ एंटरप्राइजेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेमिटेंसेस बाय एनआरआईज और सब्सिडीज। ये जरा सोचो क्या होता है, ठीक है, बताओ जरा इसका क्या आपको आपके माइंड में क्या आ रहा है वो बताइए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग जीएनपी ऑफ ए कंट्री एट मार्केट प्राइस। तो इसका आंसर क्या है बोलो, रेमिटेंसेस बाय एनआरआईज, जो अपने घरों में वो पैसा भेजते हैं वो इसको ऐड नहीं करते। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, और रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सी ऑप्शन, एनडीपीएफसी माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसका ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या फॉर्मूला आ गया फिर, और ऑप्शन डी क्या है, ए एंड सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटे, डी। सो ये दोनों फॉर्मूले, मतलब ये वाला और ये वाला, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा। अब 31st क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो वो क्या है, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स या नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या है, डी। उसके बाद बैंक मनी, क्योंकि अब यहां पे से मनी वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया 31st क्वेश्चन से, ठीक है बच्चे। बैंक मनी इज दैट मनी विच इज प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, प्रिंटेड बाय आरबीआई, पहला ऑप्शन है प्रिंटेड बाय आरबीआई, बी ऑप्शन प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, जनरेटेड इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बेटा। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 33 की, हु सप्लाईज मनी इन इंडिया। मनी सप्लाई कौन करता है, आरबीआई, द कमर्शियल बैंक्स, द गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन आंसर। सो इन इंडिया क्वाइंस आर इशूड बाय एसबीआई, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या कमर्शियल बैंक। तो राइट ऑप्शन सी है, राइट ऑप्शन सी। एंड 35th क्वेश्चन क्या बच्चे, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम वेयर इन गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल, सी ऑप्शन, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी एंड गुड्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी। तो बच्चे राइट आंसर क्या है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर। उसके बाद 36th क्वेश्चन क्या है, हाई पार्ट मनी इज इक्वल टू मनी सप्लाइड बाय द आरबीआई ओनली,
टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी, नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पीपल, डी मनी हेल्ड बाय द पीपल कॉमा वॉलेट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, कैश रिजर्व्स ऑफ द विद द आरबीआई। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको जरा अच्छे तरीके से कूल माइंड से कर पढ़िए, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है। तो ये चैप्टर तो आपको पता है किसका है, मनी वाला चैप्टर में आपको हाई पावर डेफिनेशन याद रख करनी है, और उसमें मेरे को आपको अच्छे तरीके से समझना है कि हाई पावर्ड मनी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके बच्चे, तो कमर्शियल बैंक मनी हेल्ड बाय द पीपल, वॉलेट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है जी, और इसमें ऑप्शन फिर क्या आया, ये डी ऑप्शन, ये सारी चीज़ें मिला के ही हमारा हाई पावर मनी बनती है। तो ये हो गए 36 क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बच्चों 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सप्लाई ऑफ मनी इज ए, क्या वो फ्लो कंस वेरिएबल है, क्या वो स्टॉक वेरिएबल है, क्या वो रियल वेरिएबल है, क्या नॉन ऑफ दिस। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है बोलो, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, बी ऑप्शन स्टॉक वेरिएबल। ओके, ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। और 30th क्वेश्चन क्या बेटा, मनी एज ए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ कमोडिटी मार्केट, बी फाइनेंशियल मार्केट, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 के आगे क्वेश्चन जो आएंगे वो है बैंकिंग चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 39। सो कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी बाय वे ऑफ, क्या टाइम डिपॉजिट, बी डिमांड डिपॉजिट, सी ट्रेजरी बिल्स, डी डी क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चे, द मेन एम ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है, सोशल वेलफेयर है, टू अर्न प्रॉफिट्स है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल, और नन ऑफ दीज। तो इसमें आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू अर्न प्रॉफिट उनका मकसद होता है। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, SLR रिक्वायर्स द कमर्शियल बैंक्स टू बिल्ड देयर लिक्विड एसेट्स बाय वे ऑफ। तो मैं एक तरह से देखा जाए ये इसमें SLR की डेफिनेशन आएगी, रिजर्व्स ऑफ कैश, रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, रिजर्व्स ऑफ अनइंकम्बर्ड सिक्योरिटीज एंड ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये एक तरह से मैंने आपको बताया कि SLR की डेफिनेशन ही है, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है बच्चे, 42 क्वेश्चन नंबर है, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री दैट कंट्रोल्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, इश्यूज करेंसी, एक्ट एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट दैट द कमर्शियल बैंक्स कैन लीगली क्रिएट इज इंडिकेटेड बाय 1 अपॉन SLR, बी 1 अपॉन CRR इनटू 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो, और उसके बाद क्या है 1 अपॉन सी ऑप्शन 1 अपॉन CRR इनटू टोटल डिपॉजिट, और डी ऑप्शन क्या है 1 अपॉन CRR इनटू कैश रिजर्व विद RBI। तो बच्चों राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो बच्चों 44 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्रेडिट कंट्रोल मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, एक्सटेंशन सॉरी कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट ओनली, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ओनली, एक्सटेंशन एंड क्रेडिट ऑफ मनी सप्लाई एंड नन ऑफ दीज। तो क्रेडिट कंट्रोल तो दोनों तरीके से हो सकता है, तो एक्सटेंशन या कंट्रैक्शन दोनों से हो सकता है, ऑप्शन सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, CRR, SLR, बैंक क्रेडिट, मैनेज फ्लोटिंग। तो ऑप्शन डी आया, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट कम अंडर क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन ओपन मार्केट क्वांटिटेटिव कौन सा नहीं है, तो डजेंट कम अंडर क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको बताना है क्वांटिटेटिव कौन सा नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए,
ठीक है जी। तो उसका आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना पहले कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दो तरीके के कंट्रोल होते हैं जो आरबीआई लगाती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में कौन कौन से डजंट कम अंडर क्वांटिटेटिव, तो ओपन मार्केट भी किस में आता है आपका, ओपन मार्केट किस में आता है आपका, क्वांटिटेटिव में, उसे डज नॉट पूछा बच्चे, तो ठीक है। ओपन मार्केट भी क्वांटिटेटिव में आता है, सीआरआर भी क्वांटिटेटिव में आता है, तो नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन क्या, इसका ऑप्शन क्या हुआ फिर, ऑप्शन डी, बिकॉज डज नॉट मांगा ना, अगर वो होते तो फिर मैं सी ऑप्शन ले लेता क्योंकि ये दोनों थे, तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा, डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तो दोनों क्वांटिटेटिव ही हैं, ओके, यस। उसके बाद 47 क्वेश्चन, विद एन इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकॉनमी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, मार्जिन रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाएगा तो आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, विद द इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, तो उससे क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 47 क्वेश्चन हो गए, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इफ इन्फ्लेशन इज टू बी कम्बेटेड बाई आर बी आई, ए रेजेज एस एल आर एंड लोअर सी आर आर, लोअर्स एस एल आर एंड रेजेज सी आर आर, सी रेजेज बोथ सी आर आर एज वेल एज एस एल आर एंड नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड 49, इफ रिसेशन इज टू बी कम्बेटेड बैंक रेट नीड्स टू बी लोअर्ड, CRR needs to be lowered, both A and B. Repo rate needs to be lowered and CRR needs to be raised. तो option C is the right answer. ठीक है बच्चे। उसके बाद reserve repo rate क्या होता है? It generates interest income, is increased to curb inflation, is not a policy rate and option D क्या है? Both A and B. तो yes, both A and B is the right answer. तो D option हमारा answer है. Okay बच्चे? ये थे 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, एग्रीगेट डिमांड एग्रीकल्चर सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चन नंबर 51। तो एपीसी इज इक्वल टू वाई अपॉन सी, बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, सी अपॉन वाई, डी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 52 क्या है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, बी है वाई अपॉन सी, सी क्या डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और डी क्या है सी अपॉन वाई, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब 53 क्वेश्चन क्या है, एमपीसी बींग के स्पेलिंग गलत लिख दिए, बीई आई एन जी, बींग इक्वल टू 0.5, व्हाट विल बी द डेल्टा सी इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 100, तो 100 को उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इफ सी इज कंजम्पशन आपकी 450 है और इनकम आपकी 1000 है, द एपीसी विल बी, तो कितनी आ जाएगी 450 से करके, ये सी आ जाएगा इससे बेटा, है ना, सी आ जाएगा। हमें क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना ना, तो इसको देखो जरा पर, इसका क्वेश्चन जो है हमारे पास सी कितना गिवन है, ये वाई एपीसी है, तो उसको उसे डिवाइड कर देंगे ना हम, किससे हम डिवाइड करेंगे, सी अपॉन वाई से, तो सी कितना आपका 450 और वो क्या है 1000 है, तो ये तो डेसिमल लग के आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके बच्चे। उसके बाद क्या है, व्हेन एस चेंजेस फ्रॉम 30 to 20, तो डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एस बताइए किसके बराबर आ जाएगा, एस चेंजेस फ्रॉम, इफ एस चेंजेस, एस चेंज हो जाता है -30 to -20, तो डेल्टा एस क्या आएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है बताइए, वो है +10, क्योंकि -30 में -20 हो जाएगा, -30 + 20 = -10, तो राइट ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, एपीएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस, वाई अपॉन एस, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई और एस अपॉन वाई, तो ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्या, इफ एमपीएस इज 0.6, व्हाट विल बी द डेल्टा एस व्हेन इनकम इंक्रीजेस बाय ₹50,
ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.30, बाकी को देखने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, 50 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ एमपीसी इज 40% तो एमपीएस कितना आएगा, क्वाइट ऑब्वियस वो 60% है, बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर बनता है, 1 के, तो ये अगर एक 40 है तो दूसरा 60 होएगा ना फिर, ठीक है। चलिए आगे, ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर है, 1 माइनस एमपीसी एमपीएस, 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी इज ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद द स्लोप ऑफ एस लाइन इज इंडिकेटेड बाय एमपीसी एमपीएस 1 माइनस एमपीसी बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स व्हेन y इज इक्वल टू s, s इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू कंजम्पशन, तो ये भी तो ठीक है और ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन डी आ गया आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन c इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8 y एंड y इज 500, सेविंग इज एट 0, इनकम लेवल विल बी 300 माइनस 300 1100 और 800, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ जाएगा, माइनस 300 हो जाएगा कंजम्पशन, ठीक है जी, सेविंग जीरो है ना आपकी, तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो फिर माइनस 300 ही रहेगा ना। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, और ये किससे रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो गया, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का। तो बच्चों 62 का पहला क्या है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है बच्चे ये, ठीक है, डेल्टा आई, आई मतलब समझिए ना, इन्वेस्टमेंट अपॉन डेल्टा वाई, और डी ऑप्शन है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी, तो राइट ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन बी। और उसके बाद 63 क्वेश्चन है, इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.9 देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, तो 0.9 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 0.9 एमपीसी है, एमपीसी देन मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आएगी, ओके, क्योंकि 0.1 ही बचा ना इसका, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है 64, मल्टीप्लायर इज एस्टिमेटेड बाय 1 अपॉन एमपीसी और बी क्या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, सी क्या 1 प्लस एमपीएस और 1 प्लस एमपीसी और डी क्या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीएस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65, इफ एमपीएस इज इक्वल टू 1.4 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, क्या 4 होगी, 2 होगी, 8 होगी या 6, तो ऑप्शन 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0 द मल्टीप्लायर विल बी, मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा, तो उस केस में 1 होगा मल्टीप्लायर, क्योंकि सारा सेविंग हो रहा है उसका, तो मल्टीप्लायर 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी, ओके okay, बाकी ये ऑप्शन देखने की भी आपको जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 0 टू इन्फिनिटी थे वो, चलो छोड़ो उसको, आपका आंसर ए है, तो ऑप्शन ए इज, इसमें भी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, इफ एमपीसी इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज एज मच एज इंक्रीज इन एमपीसी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, तो एक्स एंटेज सेविंग रेफर्स टू, एक्स एंटेज सेविंग किसके बराबर होती है, डिजायर्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, एक्चुअल सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी एक्स एंटे हो जाती है, डिजायर्ड एंड प्लान्ड, ठीक है जी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब हम 69 क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ एन इंजेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब पैसा जब उसमें आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, इकोनॉमी में, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, नेचुरली नो प्राइस फॉर गैसिंग, इंक्रीज ही होगा, ना डिक्रीज होगा, ना कॉन्स्टेंट रहेगा, ना नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन क्या है बेटा, ए। 70th क्वेश्चन, केन्स डिस्कसेस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, बी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नॉन ऑफ दीज, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
तो उसके बाद 71, इफ एमपीसी एंड एमपीएस द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 0, 1, 2 और इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये आपको बताना, तो ये इसका राइट आंसर बताइए क्या है। ओके, अब सोचो जरा, एमपीसी और एमपीसी के बराबर है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? हाँ जी, मल्टीप्लायर क्या होगा इसमें, तो सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा? एमपीसी और एमपीएस किसके टोटल किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है ना, बोलो बच्चे, कुछ तो बोलो, कुछ दिमाग में आया आपके, क्या करना है इसका? बेटे खुद कुछ सोच के तो देखो, कुछ कोई बात नहीं। हाँ, एमपीएस एमपीसी के बराबर होता है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या आएगी, बोलो, कम ऑन गाइस, 2, ठीक है। क्योंकि बेटा एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अगर दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों बराबर हैं, 0.5 या 0.5, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो दोनों बराबर होंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, इफ दोनों बराबर होंगे तो, इफ एम पी सी एम पी एस के बराबर आ गया, जितना उसका कंजम्पशन है उसके बराबर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, गिव रिप्लाई, एमपीसी किसके बराबर आ जाएगा ये, हाँ जी, एमपीसी एमपीएस अगर बराबर आ गए तो क्या होता है, बोलो बेटे, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन, ओके, ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर। तो इफ एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस, मल्टीप्लाई डबल हो जाएगा उसमें, इस केस का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई डबल हो गया ना पुत्र, ठीक है, ट्वाइस हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ द विड्रॉल और डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड लेवल ऑफ इनकम, क्या इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है हमारे पास। ओके जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के, 72 दो बार आ गया, चलो इसका एक 71 का ए पार्ट है और ये 72 का पार्ट बी मान लेते हैं, एक ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, अगर सारी एडिशनल इनकम कन्वर्ट होके हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट में डाल दी है, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजम्पशन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, डी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ठीक है जी, ओके, क्योंकि उसको आगे जितना मर्जी ले जाओ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, सो फुल वैल्यू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, एग्रीगेट डिमांड और एएस एग्रीगेट सप्लाई के बराबर, 0 अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। और यहाँ पे 74 में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बी टाइम रिक्वायर्ड इन एडजस्टिंग द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, सी टाइम रिक्वायर्ड इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, और राइट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या है, बोथ बी एंड सी, तो यह नेचुरली इन दोनों को मिला के ही बनेगा हमारा ऑप्शन डी। 75 में क्या बेटा, 75 में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइम रिक्वायर्ड इन एडजस्टिंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, सी टाइम रिक्वायर्ड टू शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, और डी बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी व्हेन फैक्टर्स आर इन शॉर्टेज, ठीक है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो और राइट ऑप्शन क्या है, बी सी सॉरी, क्योंकि दोनों को मिला के ही बनेगा ना अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल की वजह से और फैक्टर्स आर इन शॉर्टेज, फैक्टर्स कौन से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और 77 क्वेश्चन है, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू, क्या डिफ्लेशन होती है उससे, इन्फ्लेशनरी गैप आता है, ए एंड बी या नन ऑफ दीज, तो क्वाइट ऑब्वियस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
डिफ्लेशनरी गैप। 78 एक्सेस डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, राइज इन प्राइस, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद वेज प्राइस स्पाइरल इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, स्टेजफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और डी ऑप्शन ए एंड सी। तो इससे क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशनरी गैप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड कैन बी करेक्टेड थ्रू फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो दोनों तरीके से की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या आएगा? सी। ठीक है बच्चे। उसके बाद 81, अब हमारा चैप्टर नंबर कौन सा आ गया बच्चे? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जीडीपी ग्रोथ और ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन क्या है? डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टैक्सेड सीट? गिफ्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, डोनेशन एंड एक्साइज ड्यूटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? वेल्थ टैक्स, इनकम एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड नन ऑफ दीज। तो बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट? फीस, फाइंस, गिफ्ट टैक्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। तो सी क्या है? गिफ्ट टैक्स। ऑप्शन सी। 85, कैपिटल रिसीट्स इज दैट रिसीट, इज दैट रिसीट ऑफ विच गवर्नमेंट विच क्रिएट्स लाइबिलिटी, बी रिड्यूसेस द एसेट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नीदर ए एंड बी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, सो क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट? क्राउडिंग आउट, इन्फ्लेशनरी गैप, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट्स क्रेडिटेबिलिटी और ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारी चीजें ही फिजिकल डेफिसिट के कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं। अब बजट इज अ बैलेंस्ड वेन टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन बैलेंस बजट का ये है, ऑप्शन ए। उसके बाद चैप्टर नंबर 11, फॉरेन एक्सचेंज रेट, 88 क्वेश्चन नंबर। डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हैजिंग इज पॉसिबल इन स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम एंड नन ऑफ दीज। उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और उसके बाद 90, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ए सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलें आगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। सो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अकर्स व्हेन? कब इक्विलिब्रियम आता है? जब सप्लाई इज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या बी ऑप्शन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और सी क्या है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन या लेस देन सॉरी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और बोथ बी एंड सी। तो राइट ऑप्शन क्या है? इक्विलिब्रियम हमारा एक्सचेंज रेट कब आएगा? जब वो इक्वल होता है, सप्लाई किसके बराबर आती है? डिमांड फॉरेन एक्सचेंज के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 92 क्वेश्चन नंबर, इफ 120 आर रिक्वायर्ड टू बाय डॉलर वन इंस्टेड ऑफ 100 ऑफ रुपीज 100 अर्लियर, तो इसका मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक करेंसी हैज एप्रिशिएटेड, डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, रूपी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट विल इंक्रीज, बोथ ए एंड सी। तो बी और सी, ए और सी, ए और सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अब लास्ट चैप्टर हमारा बच्चे आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसका क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स व्हेन रसीड्स आर इक्वल टू पेमेंट्स, रसीड्स आर लेस देन पेमेंट्स, रसीड्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स, बोथ ए एंड सी। तो नहीं, आपको पता ऑप्शन सी इज द राइट। सरप्लस तभी आएगा जब आपका ऑप्शन सी रसीड्स ज्यादा होती है पेमेंट से। ओके जी, समझ लग गया ना बच्चे क्वेश्चन? चले
अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, कॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस रिलेट टू ऑटोनोमस आइटम्स अकोमोडेटिव आइटम्स बोथ ए एंड बी नीदर ए एंड ए और नॉर बी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद 95, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 1000 लाख, इम्पोर्ट इज इक्वल टू 1650 लाख, और बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे आएगा, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ये डेफिसिट आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 96 है, व्हेन बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंसेज करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। सी क्या, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और डी ऑप्शन है बी और सी। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और उसके बाद क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होती हैं, क्या वन साइडेड होती हैं, क्या रेसिप्रोकल पेमेंट्स होती हैं, फैक्टर इनकम्स होती हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। सो इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज -600 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 500 करोड़, देन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट विल बी 1300 करोड़, बी 300 करोड़, सी 1100 करोड़, और डी 1200 करोड़। तो आंसर क्या है, सी, क्योंकि ये दोनों माइनस हो, इसमें हो जाएंगे ना, प्लस हो जाएंगे, ये माइनस का साइन है और ये वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है। ओके, तो फिर इसका मतलब इंपोर्ट आपका क्या, देखो ना ये -600 है इज इक्वल टू 500, और ये एक्स निकालना, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना बेटा, तो ये 1100 हो जाएगा ना फिर इसका। ओके, इंपोर्ट आपका कितना फिर 1100। ओके, एक्स कितना आ जाएगा आपका, -1100 आ जाएगा ना, तो इंपोर्ट यहां 1100 आ गया। तो ऑटोनोमस आइटम्स आर रिलेटेड टू दोज ट्रांजेक्शन विच आर डिटर्मिंड बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, बी आर नॉट कंसर्न विद द इक्विलिब्रियम स्टेटस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, सी बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 100, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई, डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व विद आरबीआई, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इसी के साथ ये 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करिए, और आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे को सेंड करिए, मैं उसका सुटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा। बट अगली वीडियोस मेरी देखनी भूलिए ना, अगली वीडियोस में मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मॉडल टेस्ट भी करा रहा हूँ, और इंडियन इकोनॉमी के अगली वीडियो में आपको 100 एमसीक्यूज जरूर कराऊंगा। तो विशिंग यू गुड लक।